सो हे गाइस, वेलकम टू आउटफ्लिक। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नया अनबॉक्सिंग। ये गैजेट बहुत मज़ेदार है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पर उससे पहले इंट्रो। तो यार, ऐसे ही मज़ेदार गैजेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आउटफ्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो यार, इस छोटे से गैजेट को मैंने अमेज़ॉन से 190 रुपये के अंदर ख़रीदा था। हालांकि इसका प्राइस अभी और कम हो चुका है और इसके इस्तेमाल थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उससे पहले जल्द से जल्द अनबॉक्स कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये है हमारा खूबसूरत सा प्रोडक्ट, और ये एक्चुअली प्लास्टिक को सील करता है। ओ, इसके अंदर बैटरी भी दिया गया हुआ है, वो भी ड्यूरासेल का। और जहाँ तक मैंने अभी तक यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये है इसका पिन, इसको ऐसे दबा के प्लास्टिक को सील करते हैं। प्लास्टिक के पेपर को मैं करके दिखाऊंगा अब। तो यार देखो, जहाँ तक मैंने इस गैजेट को यूज़ किया है 2-3 दिनों से, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, या यूँ कह लूँ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने एक प्लास्टिक पेपर ले लिया है, और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दबाने के बाद इसका जो हीट है, तब जाके ये काम करता है। मतलब दोनों सिरे जब टच करते हैं, तब हीट पैदा होता है और तब जाके ये सील करता है पैकेट को। तो हमने एक पैकेट ले लिया है। अब दिक्कत ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो प्लास्टिक के पेपर जो है वो फट जाता है, और अगर आप एकदम हल्के से करोगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो इसको हर प्लास्टिक के हिसाब से आपको प्रेशर जो है वो अलग से करना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छूट गया, यानी कि ये अच्छे से सील नहीं हुआ, बट काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे बहुत ढूंढा इससे बेहतर क्वालिटी ढूंढने की, मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है थोड़ा और बेहतर हो, बट मुझे मिला नहीं। और ये फटने के एक और रीज़न है जो मैं एंड में बताऊंगा आपको। फ़िलहाल मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये जुड़ भी रहा है, ये सील हो रहा है, बट साथ में प्लास्टिक के जो पेपर है वो फट भी रहा है। तो मैंने 5-6 बार और ट्राई किया, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ। मैंने प्लास्टिक चेंज भी किया, वहाँ पर भी काम कर रहा है, बट जैसा कि अगेन, अगर मैं ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये फट जा रहा है। तो मैंने फिर से 2-3 बार ट्राई किया, और हाँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो ये फट गया। तो प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर प्लास्टिक ज़्यादा पतला हुआ तो आपको कम प्रेशर लगाना है, ज़्यादा मोटा हुआ तो उस हिसाब से आपको प्रेशर लगाते हुए खींचते जाना है, और ये सील होता जाएगा। और ये एक जो चीज़ है, मैंने पिछले दिन बनाया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरा प्लास्टिक था, बट इसको मैंने पॉकेट बनाया है छोटा छोटा करके, अपने एसडी कार्ड सेफ रखने के लिए। हालांकि इसका भी एक प्रॉपर वीडियो मैं बाद में बना दूंगा एसडी कार्ड सेफ करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया थोड़ा थोड़ा फट चुका है, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ ये सही होता ही गया। और हाँ, ये वर्किंग, मतलब ये जो छोटा सा गैजेट है ना, ये मेरे को बेहद पसंद हुआ है। और हाँ, जो प्रॉब्लम की बात कर रहा था, आपको अंदर से ये जो वाइट वाला जो दिख रहा है, इसके ऊपर एक तरीके का कपड़ा लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं हीट स्लेव और हीट सिंक स्लेव। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इस तरीके के बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे, और ये वायर वाले दुकान पर भी मिल जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा ख़राब है, जैसे कि मैंने बोला, इसका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, जिस वजह से ये कपड़े भी ख़राब क्वालिटी का ही लगाया हुआ है। तो इसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ, कभी अगर मैंने रिपेयर किया तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। तो ये ख़राब होने की वजह से प्लास्टिक जो है ज़्यादातर फट रहे हैं। तो यार, प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। आप कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आपको कैसा लगा, कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपको इससे बेहतर प्रोडक्ट मिलता है तो मुझे बताइए। और हाँ, मेरे काम का है ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, जैसे कि मैं छोटे छोटे पॉकेट्स बना रहा हूँ, उसके ऊपर भी वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम पर मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में कमेंट सेक्शन पर बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए आउटफ्लिक।